हाँ जी बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? सपोज दैट मेरे पास ये कोई मीडियम है, यहाँ पर वाटर है। सपोज दैट लाइट रेज जब यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगी, ये रिफ्रैक्ट होके वाटर में एंटर करेगी, तो ये यहाँ से स्ट्राइक करके ये रिफ्रैक्ट भी हो सकती है, ठीक है। पर सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, पॉलिश सरफेस की वजह से ये लाइट रेज है, या फिर यहाँ पर मैंने एक मिरर लगाया, पॉलिश सरफेस रख लेते, पॉलिश सरफेस से ये रिफ्लेक्ट करके बैक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइट रेज क्या करेगी, इंसिडेंट एंगल बनाएगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर इंसिडेंट एंगल बना रहा था, तो यहाँ पर लाइट रेज क्या करेगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, बाहर निकल जाएगी। तो कौन सा एंगल बनाएगी, रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएगी, ठीक है जी। अगर ये लाइट रेज जो है, जो ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, वो इस तरह से रिफ्रैक्ट हो कि जो ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, यानी वो 90 डिग्री का बने। 90 डिग्री का कब बनेगा, जब लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद इस सरफेस के साथ पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तब कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री। उस टाइम जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल बोलते हैं इंसिडेंट एंगल को, क्रिटिकल एंगल। कब बोलते हैं, जब रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अब क्रिटिकल, इस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर जो भी एंगल आएगा, इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, तो ये लाइट रेज जो है बाहर जाने की बजाय सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये वाला जो एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल बन गया, तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये अच्छे से समझ लो। अब जैसे डायमंड है, ठीक है, जो डायमंड है, डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है वो 28 डिग्री है जैसे, ठीक है। अब इससे ग्रेटर जितने भी एंगल बनेंगे उसमें क्या होगा, सपोज दैट जैसे ये कोई डायमंड ऐसे है, लाइट रेज एंटर कर रही है, ठीक है, और रिफ्रैक्ट हो गई यहाँ पर, सपोज दैट जैसे रिफ्रैक्ट हो गई। अगर ये इंसिडेंट एंगल जैसे मान लो 30 हो गया, या 35 हो जाए, या 45 हो जाए, उतना बनता है, तो ये लाइट रेज बाहर जाने की बजाय कहाँ मूव करेगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, सेम मीडियम में, क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में जब लाइट रेज एंटर करती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 48 डिग्री, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स का, ठीक है। इससे ग्रेटर जितने भी एंगल आएंगे वो सभी क्या करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।